नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्मिता गुप्ता इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ। खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आदरी के रजन जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे पटना। समारोह में देश विदेश से आए 150 से अधिक विद्वानों ने आलेख को किया प्रस्तुत। विधानसभा में छात्रवृत्ति रोके जाने और शिक्षक पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष ने किया हंगामा। यक्षमा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में हुए कई कार्यक्रमों के आयोजन। और बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 आगामी 11 जून को होगी आयोजित। 6 से 25 अप्रैल के बीच स्वीकार किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शुक्रवार को राजधानी पटना पहुंचे, आदरी के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। सम्मेलन में राज्यपाल रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत ख्याति प्राप्त अनुसंधानकर्ता, आर्थिक विशेषज्ञ और बिहार झारखंड से संबंधित मामलों के शोधकर्ताओं ने भाग लिया। प्रख्यात पत्रकार और आदरी के अध्यक्ष रहे अरविंद नारायण दास की स्मृति में आयोजित समारोह में देश विदेश से आए 150 से अधिक विद्वान आलेख को प्रस्तुत किया। The mobility, the commonality, and the integrated approach to economic transformation is the most challenging and daunting job, not only before the administrators and policymakers of the state, but also at the national level. शुक्रवार को विधानसभा में भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति रोके जाने और शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने विधानमंडल परिसर में भी सरकार विरोधी नारे लगाए। भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दलित छात्रों के छात्रवृत्ति को रोके जाने से उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब इन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की मांग की है। पर जो सरकार रोक लगाई है, इस पर जो समस्या उत्पन्न हुआ है और जो पंचायत वार्ड सदस्यों के प्रदर्शन पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ है, आज हमारे 10 माननीय सदस्यों ने, एनडीए के माननीय सदस्यों ने इस पर कार्य स्थगन दिया है। आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हाउस के भीतर भी हम आवाज उठाएंगे ताकि इस कार्य स्थगन पर बहस हो और इस पर संचित कार्रवाई और सरकार अपना निर्णय बतावे। बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 आगामी 11 जून को आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क 6 से 25 अप्रैल के बीच स्वीकार किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पर वैध अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। राजधानी पटना में यक्षमा दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि पूरे देश में यक्षमा जैसे रोग को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की, इस रोग का इलाज संभव है, इसलिए इस रोग के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को समाप्त कर दिया जाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया। और जब जागरूकता नहीं थी तब और लोग ज़्यादा इस परेशान होते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है और जिसके लिए ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं इनके काम की प्रशंसा करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ कि ये अपने लक्ष्य में सफल हों और जनता को सीधे इनके द्वारा लाभ मिले। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत ठचरधारियों को जो भारत गैस एजेंसियों के द्वारा कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वहीं जलालगढ़ की एजेंसी उषा भारत गैस और ऑपरेटर दिलीप कुमार के स्टाफ दूसरे प्रखंड अमौर के बराई दगाह में जाकर कनेक्शन वितरण कर रहे हैं। वहीं प्रत्येक कनेक्शन में लाभुकों से 250 से 300 रुपए लेकर ही कनेक्शन दे रहे हैं। वहीं लाभुक को जो कहना है कि जब सरकार ने यह कनेक्शन 1650 रुपए में दिया है या हमारे सब्सिडी से काट लेंगे, तो यह 250 300 क्यों लिया जा रहा है। वहीं
पूसा भारत गैस एजेंसी के स्टाफ के द्वारा बेरुखे से जवाब देते हुए कहा कि यह रुपया ऊपर तक जाता है। वहीं उषा भारत गैस के प्रोपराइटर दिलीप कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब है एवं इस प्रकार की जानकारी नहीं है, ऐसा अगर है तो उसे रोका जाएगा। सहरसा में एक बैंक कर्मी को लूटने के प्रयास में अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे बैंक कर्मी घायल हो गए। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक्सिस बैंक के गेट पर इंडसइंड बैंक कर्मचारी नीरज कुमार को अपराधियों ने गोली चला दी और रुपए छीनने का प्रयास किया। उधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। एक और जहां कथित तौर पर कुछ मुसलमान नेता वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं, राष्ट्रगान का विरोध करते हैं, वहीं मुजफ्फरपुर के ख्वाजा चादर समिति ने गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ ही हाथ में तिरंगा लेकर जुलूस निकाला। समिति के सदस्यों ने बताया कि हमारे ख्वाजा साहब भी कहते हैं कि देश सेवा हमारा पहला धर्म है। वहीं शहर के निवासी साकेत कुमार सिंह का कहना है कि तिरंगे के साथ चादर का जुलूस मुसलमानों ने निकाला है, यह तमाचा है उन दलालों और समुदाय विशेष के ठेकेदारों को मुंह पर जिन्हें तिरंगे और वंदे मातरम कहने से ऐतराज है। जिला ख्वाजा चादर कमेटी हर वर्ष की तरह इस साल भी अजमेर शरीफ के लिए जो चादर चढ़ती है उसके लिए शहर के भड़बंद के लिए आज निकाली गई है। 20 तारीख को दाता अजमेर शरीफ के लिए रवानगी की जाएगी। इसमें गाजा बाजा ढोल नगाड़ा, इसके बाद जो है आपको घोड़ा है, सभी चीज का है। इसमें सभी वर्गों के सभी धर्मों के लोग सम्मिलित हुए हैं और ये साल में एक बार तिरंगा भी देखने को मिल रहा है इस बार। हाँ, हम ये तिरंगा इसलिए प्रतीक है कि देशभक्ति का पहले जज्बा होनी चाहिए और हमारे ख्वाजा साहब कहते हैं कि पहले देशभक्ति की भावना होनी चाहिए सभी। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवक संघ के द्वारा कटिहार के समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में गृह रक्षा वाहिनियों की मांग है कि बिहार सरकार उन्हें समान काम समान दाम को लागू कराने को लेकर किया गया अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो 24 मार्च को भूख हड़ताल कैंडल मार्च करेंगे, फिर भी बात नहीं मानी गई तो 28 मार्च को पटना में आक्रोश मार्च करेंगे और बिहार सरकार के खिलाफ काम करेंगे। रोहतास जिले के जिला मुख्यालय से लेकर तीनों अनुमंडल में भूमि सुधार उप समाहर्ता रोज परिवहन विभाग के नियमों और प्रधान सचिव के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अपने सरकारी वाहनों पर नीली बत्ती लगाकर सड़कों पर फर्राटे से दौड़ते हैं। यही नहीं, जिला अधिकारी रोहतास के मीटिंग में सप्ताह में करीब 2-3 दिन तो जरूर ही जाते हैं और अपने शान से नीली बत्ती लगाकर, लेकिन उन्हें न तो कोई रोकने वाला है और न ही किसी का डर। रोहतास जिले में 3 अनुमंडल हैं, सासाराम, डेहरी और विक्रमगंज, लेकिन तीनों भूमि सुधार उपसमाहर्ता अपने शान और रौब में कोई समझौता नहीं करते। भले ही कोई कानून कोई आदेश क्यों ना टूट जाए, रुआब कम नहीं होना चाहिए। उसमें तो परिवहन डिपार्टमेंट का वो सारा कुछ गाइडलाइन इशू किया हुआ है तो उसी के अनुसार ऑथराइज लोग को ही ल्यूमिनस लाइट लगाना होता है। अगर परिवहन विभाग की बात करें उनके लेटर और प्रधान सचिव के आदेश की, तो SDO और DSP के बाद किसी भी पदाधिकारी को नहीं लगाना है अनुमंडल में, लेकिन DCLR महोदय लोग लगा के घूम रहे हैं। नहीं, अगर ऐसी बात है और ये तो परिवहन विभाग का जो गाइडलाइन है तो उस शर्त का हम लोग सारे लोगों को अनुपालन करना है, जो ऑथराइज्ड लोग हैं वही उसको लगाएंगे। और अगर इस ढंग की कहीं बात है तो निश्चित रूप से हम लोग इसको जाँच करवाएंगे। मुजफ्फरपुर के 2 गल्ला व्यवसायियों के दुकान पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, जिसमें वित्तीय लेन देन की जांच की गई। आयकर अधिकारियों ने अचानक मुजफ्फरपुर के गोला स्थित थोक गल्ला व्यवसायी बद्रीलाल, रघुनाथ प्रसाद और राधे ट्रेडर्स पर अचानक छापा मारा। अचानक हुई छापेमारी से व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। पटना के निर्देश पर मुजफ्फरपुर की टीम ने 2 धावा दल बनाकर शहर के 2 दुकानों पर छापेमारी कर दी। वैसे तो कितने दुकानों पर आज जांच चल रही है? हम जहां हैं मेरे पास से यहां का ऑथराइजेशन है, बाकी तुमको बता भी नहीं। क्या कुछ भी थोड़ा बहुत जो अभी तक अनुमान? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हम लोग स्टेज में है और फीडिंग आप जब ये कंक्लूड करेगा या प्रोग्रेस में थोड़ा देर जाएगा, फीडिंग जिस हिसाब से। अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।